इंसान की दीनदारी का और इस बात का कि ये आखिरत पर यकीन रखता है, सबसे पहले पता चलता है कि माली मामलात में कैसा है। ऐसे ऐसे वाकयात सामने आते हैं, इंसान कानों में उंगलियां डाल लेते हैं कि भाई ये मत सुनाओ हमें। यतीम का माल खाना कुरान कह रहे हैं आग के अंगारे हैं। बाप मर गया ना, यतीम बच्चा है, कुरान क्या कह रहे हैं, क्या खा रहे हो, आग के अंगारे। लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? बहनों की विरासत, यतीमों की विरासत नहीं दे रहे। देखो कुरान ने ना माली मामलात में बहुत वईदें बयान की है। मैंने देखा है लोग नमाज रोजे में किसी हद तक आ जाते हैं, पैसों में, क्योंकि आखिरत को भूल गए। नमाज से दुनिया नहीं जाती ना भाई, नमाज पढ़ने से दुनिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम निकाल के मुजाहिदा करना पड़ता है। पैसों के मामलात में आपकी दुकान बंद होती है, नमाज में तो 10 मिनट के लिए दुकान बंद करनी पड़ेगी ना, कोई बड़ा नुकसान तो नहीं है। लेकिन जब आप पैसों के मामले में क्लियर होके चलोगे तो लाखों करोड़ों रुपए से हाथ धोने पड़ते हैं आपको। यहाँ आके लोग दुनिया को मुसाफिर खाना समझना छोड़ देते हैं। पैसों में जो आदमी एक नंबर होगा ये मुसाफिर खाना समझते हैं, इबादत से नहीं पता चलता। हमने बड़े बड़े दुनिया की मोहब्बत के मरीज, बड़े बड़े करप्ट लोग देखे हैं रमजान के पूरे रोजे रखते हुए। हमने बड़े बड़े दो नंबर हज करते हुए देखे हैं। दिल बड़ा रखो, बगैर मांगे दो है। रोड पे आ जाओ, खुदा की कसम, किसी को हक दे के इंसान गरीब हो जाए, इसमें सुकून ज्यादा है। आदमी का यार एक पैसा किसी का मेरे जिम्मे नहीं है, इसका अपना मजा है, और फिर अल्लाह ऐसा खिलाता है छप्पड़ फाड़ के। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सके। बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट पर वक्त आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।